पंडित पंत मार्ग बीजेपी का प्रदेश दफ्तर है, प्रदेश बीजेपी। श्रीमती पूनम पराशर झा जी को पुनः दिल्ली प्रदेश मंत्री एवं जयेंद्र डबास जी को बाहरी दिल्ली का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए बधाई है। इसमें यह होर्डिंग पोस्टर देखना चाहिए, राजन तिवारी हैं, एक झा जी दिखे, एक राजन दिखे, तिवारी देखे, एक ठाकुर साहब दिखे वहाँ पे, और कौन कौन है, ये गोपाल झा हैं, ये तो एक झा जी, प्रभात झा जी, प्रभात झा जी को यहाँ पे, दो झा जी और एक पूनम सेहरा, पूनम झा जी वहाँ पे। हम आए हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में और कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत से, उम्मीद से पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं। हम पत्रकार लोग कम महत्व देते हैं, उसका देना चाहिए। देखिए कितना अच्छा पोस्टर है, दिनेश प्रताप सिंह, तो झा, ठाकुर सिंह, तिवारी, ये भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बन गए हैं। और एक पार्टी के भीतर बहुत सारे संगठन होते हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, प्रभात झा हैं, इनको मैं नहीं पहचानता, विदुड़ी साहब हैं, मनोज तिवारी हैं। आइए चलते अंदर, है कैसे हैं, दिलचस्प पोस्टर है नहीं ये। अभी सेना देखिए, हालांकि बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले सेना के लोगों के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, फिर भी इस पोस्टर को देखिएगा। और समाजशास्त्रियों के लिए छोड़ दीजिए, वो काफ़ी इस तरह का विश्लेषण करते हैं कि कैसे सेना और पार्टी का एक तरह से मिश्रण होता है और उसका एक इन छवियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कई तस्वीरें आपको मिलेंगी यहाँ दफ्तर में, जहाँ दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर है और सैनिक जो हैं वो मार्च कर रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया था ना आप लोगों ने। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू के बाद आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में, भाजपा के मुख्यालय में, जो पंत मार्ग पर स्थित है, जानने के लिए कि बीजेपी की अभी शुरुआती प्रतिक्रियाएं क्या हैं चुनाव को लेकर, पीछे जो बातें हुई हैं उसे लेकर, और जो रणनीतियां बनी हैं या बनाई जा रही हैं, उन सब तमाम तरह के जो सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे। सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। पता नहीं कल और क्या हो जाए चुनाव के बाद, तो इसलिए बतौर अध्यक्ष तो कम से कम आज इनसे हम बात कर ही रहे हैं। इनके ऑफिस के पीछे आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। काफ़ी लंबी आज बैठक आपने सांसदों की और यहाँ के विधायकों की बुलाई है, जो आपके चुने गए थे, सोशल मीडिया पे कैसे किया जाता है। जी जी जी, आपने क्यों कहा कि आपकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है दिल्ली में? ये सवाल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चेहरा लेकर ही चुनाव में लड़ना है। और जो बहस केजरीवाल साहब ये करना चाहते हैं कि मेरे सामने कौन, ये चुनौती केजरीवाल साहब के सामने है, वो इस चीज़ को समझते हैं। पार्टी ने अभी हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चलते भी रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये चुनाव लड़े हैं। अब मुझे लगता है कि पार्टी का चेहरा देश में परिवर्तन हो रहा है, पार्टी का चेहरा पार्टी की विचारधारा, पार्टी का एक थॉट प्रोसेस और भारतीय जनता पार्टी का कमल, और वही इसको आगे जो हम जिस तरह से हम देश के लिए करना क्या चाहते हैं, पर ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये दलील एक तरह से ठीक है, अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन क्या ये सुविधा के हिसाब से चुनाव नहीं है कि आप दिल्ली में ही सुषमा स्वराज, विजय कुमार मल्होत्रा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछली बार आप डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, और डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य का पूरा एक तरह से उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, तो स्वस्थ भी हैं, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन का, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं जगदीश मुखी का, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? आपकी पार्टी तो नेताओं की पार्टी है, आवश्यकता नहीं है उसकी, आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप अपना, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं? ये हमारा बहुत सोच समझ करके कॉन्शियस निर्णय है, जिसमें हमने ये तय किया है कि हम पार्टी विचारधारा जो देश में एक परिवर्तन हुआ है, और उसको आप अब एक नाम लेंगे केजरीवाल साहब, और हम जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल साहब का और मोदी जी की कोई तुलना ही नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जहां तक केजरीवाल साहब की बात लेकिन है, जब आप मोदी जी को दिल्ली के चुनाव में उतारेंगे, सवाल दिल्ली में चुनाव में उतारने का नहीं है, सवाल ये है कि जो चार महीने के अंदर, मुझे इस बात पर फख्र है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है, इससे पहले जब चुनाव हुए थे देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जिस तरह से जो एक विश्वास की बहाली, सवाल राजनीति में, रवीश जी आप
बहुत जबरदस्त पत्रकारिता करते हैं और आपका शो में लगातार देखता हूं, लेकिन जब हम बहस की बात कर रहे हैं, एक विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण से देश में राजनीतिज्ञों के प्रति और राजनीति के प्रति ठीक है एक अलग तरह की भावना पनपी है। ठीक है, दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में एक दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर केजरीवाल साहब को लिया अन्ना के मूवमेंट के बाद। सतीश जी, आप सवाल को थोड़ा टाल रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में बिना नेता के चुनाव में नहीं होते। जैसे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किसी का नाम नहीं लिया, कहा हम सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे, तो आप लोग पूछते थे कि पहले अपना नेता तो बता देंगे, है ना। जब उन्होंने नहीं बताया तो फिर भी आपने राहुल गांधी को निशाना बनाया। वैसे ही शायद अरविंद केजरीवाल भी कर रहे होंगे कि आप नेता नहीं चुन रहे हैं, तो मुझे लगता है जगदीश मुखी को खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे विचार से, आपके मीडिया के विचार से, केजरीवाल की राजनीति को ये सूट करता होगा कि उनके सामने नेता कौन हो। राजनीति में जब परिवर्तन होते हैं विचार में, जब परिवर्तन होते हैं स्ट्रेटेजी में, जब परिवर्तन होते हैं, ये सभी राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है। हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार को चुनौती देने का अधिकार वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को नहीं है। आपने भी किया है, क्या करते आए हैं दल, दल के नाते किसी दूसरी पार्टी के रणनीति पे आप लोग, रणनीतियों का ही तो टकराव होता है ना, रणनीतियों का जहां तक टकराव है। हमारी रणनीति इस बार ये है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि पहले हमने किसी को नेता लिया था, हमने अब तय किया कि हम नेता नहीं लेंगे, ये हमारा अपना विचार है। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, अभी सवाल ही नहीं है, अभी कोई चेहरा नहीं होगा। बिल्कुल कोई नहीं होगा। क्या जगदीश मुखी हो सकते हैं? बिल्कुल कोई नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक युवा व्यक्ति को जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, क्या सतीश उपाध्याय हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल ही नहीं है। उपाध्याय क्यों नहीं हो सकते? ये बिल्कुल सवाल ही नहीं है, जबकि हमने ये पार्टी में एक निर्णय लिया है कि हम बिना किसी नेता के, बिना किसी चेहरे के। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप पीएम चुनाव सीएम का हो रहा है तो पीएम का चेहरा लेकर आ रहे हैं, आप अपना कोई नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, चेहरा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा नहीं है बताने के लिए। एक, मुझे कई बार लगता है कि आप में कहीं ये इस बात को लेकर अविश्वास है कि आप अपना नेता घोषित नहीं कर रहे। बीजेपी दिल्ली में अगर नेता नहीं होंगे बीजेपी के पास तो कहाँ होगा फिर? देखिए, एक मैं आपको बताऊं, बार बार ये बार बार जो मीडिया हमसे सवाल करता है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, दिल्ली के अंदर भी यही कहते हैं, उनसे सवाल करते हैं तो आप बीजेपी वाला सवाल करते हैं। नहीं, मेरा कहना है, मैं आपको ऐसे 10 कारण गिना सकता हूं रमेश जी, जिसमें केजरीवाल साहब ने एक स्क्रिप्ट लिख करके मीडिया को इंस्टिगेट करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के विषयों को खड़ा करना। नहीं, उन्होंने 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 लग रहे हैं कि आप लोग काफी टेलीविजन वाले पार्टी हो गए हैं। मैं बताता हूं, और प्लीज आप मेरे सामने ये ना कहें कि मुझे कोई स्क्रिप्ट पकड़ा देगा तो मैं सवाल आपको नहीं कहता हूं, वो मीडिया में पर ये सवाल है कि अगर वो एक सीएम बन के, पहले वो एक सीएम बन के, मेरी बात तो सुन लीजिए, वो सीएम बन के पीएम बनने का ख्वाब चेहरा बन करके चले जाते हैं देश में। गलत थोड़ी है, एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकता? किसने रोका? किसने रोका? तो फिर आप इस पे तंज क्यों कर रहे हैं? मेरा तंज नहीं कर रहा मैं, आपने जो कहा ना कि पीएम एक सीएम के चुनाव में आएंगे, मैंने इस पर कहा, आपने कहा क्यों आएंगे, तो सीएम बन के वो पीएम के में क्यों जाएंगे? मैं आपको आपसे कह रहा हूँ, ये एक आपका सवाल, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग काबिल नेता हैं, है ना, आप लोग अपना नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? नहीं, हमारे को आवश्यकता नहीं है, हमने ये तय किया है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है, हमारे जगदीश मुखी कैसे नेता हमारे, क्या वो दिल्ली के, चलिए मैं संभावनाओं पे बात करता हूं, क्या वो दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं? संभावनाओं के संदर्भ में कोई विचार आज की डेट में नहीं करूंगा, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी के बारे में, राजनीति में अगर आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सतीश जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आप राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास, क्योंकि राजनीति संभावनाओं और आशंकाओं और सवालों का खेल है ना, बिल्कुल खेल है, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम कलेक्टिव डिसीजन के आधार पर, हमारा चेहरा कमल है, हमारा चेहरा केंद्र सरकार के जो किए हुए काम है, हमारा चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन की वापसी हो सकती है? मैंने कहा, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, चुनाव के बाद क्या डॉक्टर हर्षवर्धन की वापसी हो सकती है? इसलिए आज हमने कहा ना कि हम अगर कोई भी कलेक्टिव नेतृत्व की बात कर रहे हैं, क्या इस कलेक्टिव नेतृत्व का चेहरा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पार्टी सिस्टम से बाहर का हो, जैसे किरण बेदी? अभी ये इस पर कोई, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं,
इस पर कोई, मुझे लगता है कि इस पर कोई अभी सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है इस चीज पर। ये सामूहिक नेतृत्व का फैसला, चूंकि अभी चुनाव कब होंगे ये स्पष्ट नहीं है, सामूहिक नेतृत्व का फैसला पूरे चुनाव तक के लिए हो चुका है या हो सकता है कि जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आएंगे तब आपकी रणनीति बदलेगी? नहीं नहीं, हम पूरे चुनाव तक के लिए हमने फैसला किया है, पूरे चुनाव तक के लिए, चुनाव तक के लिए हमने फैसला लिया है कि हम पार्टी एक कलेक्टिव नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम, हमारी जो गुड गवर्नेंस है, हमारी जो विकास की डेवलपमेंट की राजनीति आपके अभी, लेकिन सतीश ये आला कमान सिस्टम होता जा रहा है, मतलब सब चीज अब दिल्ली से तय होगा कि दिल्ली में कौन बनेगा, कोई आला कमान हमने तय किया है, दिल्ली जो पीएम का नॉमिनी होगा वही सीएम होगा, ये हमने तय किया है, ये दिल्ली प्रदेश ने तय किया है, ये हमने तय किया है कि हम किसी, आपने तय किया, बिल्कुल हमने तय किया। अच्छा, मुझे एक एक बात ईमानदारी से बता दीजिए कि आपकी पार्टी में मौजूदा ऐसा कौन सा है जो कभी अतीत में मोदी जी के साथ रहा हो, स्कूटर पर घुमाया हो? ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने लगता हूं, खट्टर साहब के समय वो बाइक पे कभी घुमाते थे, कभी हम भी ने सुना कि अटल जी अपने स्कूटर पे या आडवाणी जी अपने स्कूटर पे अटल जी को घुमाते थे, तो कोई वो नाम बता दीजिए ताकि हम उसी से भी पूछ लें, अभी से प्रोफाइल कर लें, कहीं वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं हो जाएगा। अब ये तो आप लोगों से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है? मैं तो कहीं अचानक निकलेगा, कहीं पता नहीं आप ही हो, पता चला कि उनके किसी, ऐसा कोई संस्मरण नहीं है? संस्मरण में नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, मोदी जी ने दिल्ली में काम किया है, उनके साथ लोगों ने, एक नहीं हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हजारों कार्यकर्ताओं को मोदी जी नाम से जानते हैं। पर जो भी सीएम होगा वो बीजेपी का होगा या बाहर का होगा? नेचुरली जो भी काबिल नेता होगा, जो भी काबिल नेता होगा, जो नेता तो दूसरे पार्टी में, जो दिल्ली के, नहीं जो भी काबिल होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक सदस्य ना हो और सहानुभूति रखने वाला हो, क्या वो हो सकता है? अब ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों आप खारिज कर सकते हैं ना, बोले कि आप गलत सवाल कर रहे हैं। ये जो मैंने इसीलिए कहा ना कि ये जो ऐसे सवाल है जिन सवालों पर आज चर्चा करना, मुझे लगता है कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली बार हुआ था जब विजय गोयल अध्यक्ष थे तो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो बीच में ही हर्षवर्धन को उम्मीदवार बनाना पड़ा और अध्यक्ष को बदलना पड़ा, क्या इस बार आपको डर है क्या जगदीश मुखी कमजोर उम्मीदवार हैं, उनको अगर आप आगे करें? हमें तो हमें डर देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं और मुझे तो कम से कम किसी भी तरह का डर होगा किसी और को, मुझे लेकिन तभी तो जवाब नहीं दे रहे हैं ना, मुझे किसी तरह का डर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, खास करके जिनको आप, जिनके बारे में बहुत बार बार चर्चा करते हैं और सब मीडिया करता है, केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब के लिए तो मेरे जिले के जो एक एक डिस्ट्रिक्ट के नेता है ना वही काफी है और इसलिए बार बार ये तुलना करना केजरीवाल साहब की, ये समय बताएगा, ये वक्त बताएगा, दिल्ली के जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, दिल्ली में जब वो अपना पूरा लेकर के आए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, जिस शब्दावली का 46% वोट मिले, मैंने इसलिए कहा ना जिनको उन्होंने कहा था और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, हम बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहते। अभी आप भी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारा छोटा सा नेता भी उनके बराबर, ये बड़ी बात नहीं, जब वो ये कहते हैं ना कि मोदी जी से तुलना करते हैं तो मुझे इस पर सख्त आपत्ति है, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अब कोई जब सामने आप मोदी जी को लाएंगे तो फिर वो तो चुनाव का मुद्दा बन जाएगा, हमें जरूरत नहीं है, कितनी चुनाव सभा करेंगे, सातों या वो मंगोलपुरी में जाएंगे, संगम विहार में मोदी जी प्रचार करेंगे, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व प्रचार करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो गर्व है। आपने एक बात कही, दिल्ली लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को 7 सीटें मिली और वोट प्रतिशत भी आपका काफी बढ़ गया था विधानसभा के चुनाव में, चुनाव की तुलना में, तो फिर आप इतना वक्त क्यों लगाए सरकार बनाने में, चुनाव में जाने में? अच्छा, कोशिश कर रहे थे आप, बताइए मुझे, जब केजरीवाल साहब दिल्ली से धोखा करके भागे, पीएम का ख्वाब उनको आ गया, सपना आ गया, स्क्रिप्ट उन्होंने लिख ली, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पीएम का ख्वाब गलत कैसे है? ठीक है, ठीक ख्वाब है ना उनको, देखिए गुजरात के सीएम रहते हुए भी कोई पीएम का ख्वाब देख रहा था, वो बनारस चला गया गुजरात छोड़ के, तो क्या मोदी जी गुजरात से भागे थे? रवीश जी मेरी बात तो सुनिए, अच्छा ठीक है, उनको पीएम का ख्वाब आना बहुत अच्छी बात है, देश को लगा, उनको लगा कि देश को उनकी जरूरत है, ठीक है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सुनिए, उस समय जब फरवरी में वो भागे, मनमोहन सिंह देश में प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग हो जानी चाहिए, नए चुनाव होने चाहिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब पीएम बनने, अब वो हुए नहीं, मई में हो जाने चाहिए थे लेकिन मई में हुए, लोकसभा के साथ नई सरकार आ गई, ये भी एक पक्ष है, सही बात, नई सरकार आ गई, उसके बाद मई में वो वापस आए, अब उनको लगा कि मैं तो जो 450 सीटें उन्होंने खड़ी की पंजाब की 4 सीटों को लेकर के सब जगह जमानत जब्त हो गई, अब उनको लगा कि मुझे दिल्ली में दोबारा से सीएम बनना है,
उन्होंने मेरी आपत्ति जो है, और आपसे तो मायावती की भी होगी, सुनिए मेरी आपत्ति जो है उन्होंने, और मैं ये बिल्कुल प्रमाणिक कह रहा हूँ रवि जी, राइट, ठीक है, और आपके सामने कोई बात हल्की नहीं हम कर सकते, उन्होंने कहा कि कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि इस दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, विधानसभा भंग होनी चाहिए, लेकिन पिछले दरवाजे से घुसे और एक पत्र एलजी को दिया है कि साहब कल उन्होंने इनकार किया था, मंगलवार को मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पत्र उनकी चिट्ठी है और एलजी हाउस से आप ये कंफर्म कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हम सरकार पर मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूं, सुनिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसलिए उन्होंने एक संभ्रम पैदा किया और जिस तरह की चीजें हुई राजनीति के अंदर इस संभ्रम में कि वो कांग्रेस से दोबारा बात करके और सरकार बनाएंगे, राइट, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ 3 महीने से, एक बार भी हमने कभी ये कहा नहीं, आपका बयान है कि आप सरकार बनाने का प्रयास, एक भी बयान हमने नहीं, चर्चा एक की भी बयान नहीं, नहीं एक, आपका बयान आप, है कि आप सरकार मैं, बनाने मैं, का प्रयास मैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, नो नो नो, आप जरूर राजनीति में रहे, ऐसे बयानों के लिए आप राजनीति ना छोड़ें, नहीं नहीं नहीं, मैं वो दिखा सकता हूँ, इंटरव्यू रोक के दर्शकों को, मेरी सख्त आपत्ति है, आप जरूर रोक के दिखाइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करेगी, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सुनिए, मेरा फ्रेम दर फ्रेम जिसके पास फुटेज है आप निकालिए, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो विकल्प हैं, एक कल चुनाव कराइए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, दूसरा अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, बना सकते होंगे तो हाँ कहेंगे, नहीं बना सकते, आपको पता तो था कि नहीं बना सकते, नहीं, नहीं, सवाल ये नहीं, आपने इतना वक्त क्यों लिया, सवाल हमने नहीं वक्त लिया, आपने लिया एक घंटा, हमने जैसे आप राष्ट्रपति के साथ पास जाते मार्च करते कि दिल्ली में चुनाव होना चाहिए, एक घंटा लगाया जी, आपने महीने लगाए, एक घंटा लगाया सतीश जी, आपने महीने लगाए, एक घंटा, 9 बजे हमको बुलाया गया, 10 बजे हमने कहा कि हम वी आर नॉट इन, कौन गया नहीं गया, जिस दिन ये फैसला आ रहा था उस दिन आप लोग कोई खुल के नहीं कह रहा था कि हम सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं, सब प्रवक्ता पीछे चले गए, नहीं बात कर रहे थे, देखिए क्या है दिल्ली में, अभी बात करेंगे हम, आपका भी मौका लगेगा, ठीक है, बहुत बार बार बात हो रही है 49 दिन 49 दिन 49 दिन, नहीं मैं ये 49 दिन का सवाल नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने देर की, कांग्रेस से कुछ विधायकों ने कहा कि हाँ सरकार बनाना चाहिए, वो आपसे संपर्क में, क्या बीजेपी ने सरकार बनाने का प्रयास किया था, ये बात आप सच बोल रहे हैं, 1% भी नहीं, बेईमानी अगर किसी ने की जी, तो केजरीवाल लोगों को पता है, वो इंटरव्यू देखेंगे तो पता नहीं क्या, आप बताइए, हमने तो नहीं की, हाँ आपने तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की, कुछ विधायक कांग्रेस के जो नेटवर्क एरिया से बाहर चले गए थे वो आपके संपर्क में थे, डागर साहब फिर क्या कर रहे, मेरे मैं डागर साहब क्या कर रहे थे, मैं प्रमाणिकता से एक बात कह सकता हूँ, पार्टी अध्यक्ष के नाते मैंने पूरे 4 महीने के मेरे टेलीफोन कॉल निकाली है, मैंने किसी कांग्रेस के एमएलए से, किसी आम आदमी के एमएलए से थोड़ी बात होता है, ये सब काम अलग अलग फोन से, किसी भी फोन से, अलग अलग बिना फोन के भी होता है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है, देखिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा उन्होंने लिखा है, ठीक है, बहुत दिनों से बीजेपी करते हैं, तो अगर वो कहते हैं तो जब तक कोई बात अगर अलग से चुनौती ना दे तो उनकी खबर सही होती है, दूसरा पक्ष हो सकता है उनकी खबर का, उन्होंने भी लिखा है कि आप लोग सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे, संघ नहीं चाहता नहीं, था कि आप अनैतिक तरीके से सरकार इसमें, इसमें दो बातें हैं, क्योंकि आपके पास स्पष्ट था कि बहुमत नहीं था, तो आप पहले दिन से कह सकते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक दो बातें बहुत कैंडिडली कहना चाहता हूं, हां जब ये सरकार थी तो उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस सहित आम आदमी सहित, अब मैं इस सवाल को जोड़ता हूँ राजेश गर्ग के साथ जो आम आदमी के एमएलए हैं, बहुत सारे लोगों ने और हमारी पार्टी के भी कुछ एमएलए थे जिसमें उनको ये लगता था, उनकी मतभिन्नता थी, उनको ये लगता था कि इसमें सरकार बननी चाहिए, ये लोगों की थॉट प्रोसेस है, सोच है, उन्होंने आके आपसे कहा, उन्होंने हाँ लोगों ने शेयर किया ना ये कि हम चुनाव नहीं चाहते इन चीजों में, हम चुनाव नहीं चाहते, आपने कहा कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते, तो हमने कहा हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हमने सरकार इसलिए विधानसभा क्यों नहीं, देखिए महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तब भी आपके विधानसभा करा सकते, मैंने इसलिए क्या कहा कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन तीनों पार्टी के एमएलए में ये विचार जो बार बार आया कि अब विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए, हमें एक साल हो गया, हमने कुछ किया नहीं, विकास के काम नहीं हुए, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो ये मतभिन्नता अलग अलग एमएलए में अलग अलग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी को ये लगा कि जब हमारे पास तो पूरा नंबर ही नहीं है, सतीश उपाध्याय जी मेरे पास गीता तो है नहीं जी, यही कागज को गीता समझ लीजिए और कहिए कि आपने सरकार बनाने का प्रयास, मैं इसी कागज को गीता समझ के कह रहा हूँ कि हमने सरकार बनाने का प्रयास पार्टी अध्यक्ष के नाते, मैंने मतभिन्नता की बात नहीं की है, मैंने आप अच्छा हा, आप हा, मैंने हा, कह रहे हैं पार्टी अध्यक्ष
के नाते मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई और कर रहा होगा इसका मतलब। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मत भिन्नता देखिए ये भाषाई चतुराई में आप लोग काफी ठीक ठाक हैं, मतलब आपसे आपके सामने से ज्यादा नंबर आ सकता है रवीश जी, आपके सामने कोई भाषा की चतुराई तो हम कर ही नहीं सकते।